डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। आलू से सोना बनाने की झूठ फैक्ट्री की अपार सफलता के बाद अब मार्केट में नया फ्लाइंग किस आ गया है। गंभीर बात यह है कि राहुल गांधी का यह किस संसद भवन के किसी भी कैमरे में कैद नहीं हुआ है। यह बात और है कि केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने इस पर अच्छा खासा पखेड़ा खड़ा कर दिया है। बाकायदा महिला भाजपा सांसदों द्वारा इसकी शिकायत की गई और इस शिकायत पर हस्ताक्षर करने वालों में सांसद हेमा मालिनी भी शामिल रही। यह बात और है कि सांसद ने बाहर आकर हेमा मालिनी ने साफ कहा कि उन्होंने राहुल गांधी को फ्लाइंग किस करते हुए नहीं देखा। लोकसभा में मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान राहुल गांधी ने सीधा हमला भाजपा और मोदी पर बोला। राहुल ने साफ कहा कि आप लोग देशभक्त नहीं देशद्रोही हो, आपने मणिपुर की हत्या की है, आपने मेरी माँ की हत्या की है। पहले देखिए राहुल गांधी के तीखे तेवर। रावण दो लोगों की सुनता था, मेघनाथ और कुंभकर्ण। वैसे ही नरेंद्र मोदी दो लोगों की सुनते हैं, अमित शाह और अडानी। भाई और बहनों, लंका को हनुमान ने नहीं जलाया था, लंका को रावण के अहंकार ने जलाया था। प्लीज माननीय सदस्य, आप सही अमित बोले, आप ये सदन है, आप तरीके से बोलिए। माननीय राम ने रावण को नहीं मारा था, रावण के अहंकार ने रावण को मारा था। आप पूरे देश में केरोसिन फेंक रहे हो, आपने मणिपुर में केरोसिन फेंकी और फिर चिंगारी लगा दी, अब आप हरियाणा में कर रहे हो, पूरे देश को आप जलाने में लगे हो, आप पूरे देश में भारत माता की हत्या कर रहे हो। इन तेवर के बाद भाजपा IT सेल के मुखिया अमित मालवीय ने शेयर किया राहुल गांधी के हाथ के मूवमेंट पर यह कमेंट किया गया था। अमित मालवीय ने लिखा, संसद में लफंगई करके राहुल गांधी शर्मनाक। इसके बाद केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह कहा, एक बात पर मैं आपत्ति अभी दर्ज करती हूं अध्यक्ष जी, कि जिनको आज मुझसे पहले वक्तव्य देने का अधिकार दिया गया, उन्होंने जाते जाते एक अभद्र यहां पर लक्षण के दर्शन दिए। इट इज ओनली अ मिसोजिनिस्टिक मैन हु कैन गिव अ फ्लाइंग किस टू अ पार्लियामेंट विथ सीट्स फीमेल मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऐसी गरिमा विहीन आचरण को इस देश के सदन में कभी नहीं देखा गया। इसके बाद बाहर मीडिया से वार्ता करते हुए केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने यह बात कही, नेवर बिफोर हैज द मिसोजिनिस्टिक बिहेवियर ऑफ अ मैन बीन सो विजिबल इन पार्लियामेंट एज व्हाट हैज डन बाय श्री बदमाश क्यों भाई, व्हेन द हाउस ऑफ द पीपल वेयर लॉज आर मेड टू प्रोटेक्ट द डिग्निटी ऑफ वुमेन ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ अ सेशन stands witness to a man's misogyny. My question is, should he be brought to task? Raha chalte suna tha ki auraton ko wo log jo kanoon ka ullanghan karte hain is prakar ki abhadra tippaniyan athwa abhadra sanket dete hain. Ye nahi pata tha. Gandhi khandan ke sanskar mein bhi ek sanskar hai. अब लोकसभा सचिवालय की तरफ से सफाई आई है कि आज लोकसभा में राहुल गांधी को दिखाने वाला वायरल वीडियो उनके अभद्र व्यवहार को दिखाने वाला वीडियो नहीं है। दिलचस्प तथ्य यह भी है कि लोकसभा में लगे किसी भी CCTV में राहुल गांधी फ्लाइंग किस करते हुए कैद नहीं हुए हैं। हालांकि यह बात भी सामने आई है कि बाहर निकलते समय उनके हाथ से कुछ पेपर गिर गए थे और जब उन्होंने उसे उठाने की कोशिश की तो भाजपा सांसदों की तरफ से टिप्पणी की गई, जिस पर
राहुल गांधी ने उनकी तरफ फ्लैंकिस किया था। कांग्रेस सांसद गीता कौड़ ने कहा है कि राहुल गांधी हमेशा महिलाओं का सम्मान करते हैं। हाँ, बीजेपी की कोशिश रहती है कि वह राहुल गांधी को किसी भी तरह संसद में न बैठने दे। कुल मिलाकर इस पूरे प्रकरण पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर हमें जरूर बताएं। नमस्कार। वर्धमान अकेडमी एंड इंग्लिश मीडियम को एजुकेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल क्लासेस फ्रॉम नर्सरी टू 12th, स्मार्ट क्लासरूम्स, वाईफाई कंप्यूटर लैब, एडवांस्ड मैथ्स एंड साइंस लैब्स, वेल स्टॉक्ड लाइब्रेरी, बेस्ट एनवायरनमेंट फॉर गेम्स, योगा एंड म्यूजिक। वर्धमान अकेडमी, रेलवे रोड, मेरठ।